हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर जूनियर केजी के बच्चों को सिखाने का सही तरीका क्या होता है। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं मेरी बेटी जो कि अभी जूनियर केजी में है उसे आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर सिखा रही थी। ट्रेडिशनल वही मेथड से नंबर लाइंस के थ्रू जिस तरह से उन्हें स्कूल में भी सिखाया जाता है उसी तरह से मैं भी सिखा रही थी आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर। तो मेरे लिए नंबर लाइन के थ्रू उसे एक्सप्लेन करना आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है एंड बिटवीन क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। एंड सडनली उसने मुझे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि मम्मा इस तरह से क्यों नंबर्स लिखे हैं, जबकि उन्हें स्कूल में ऑलरेडी इस तरह सीक्वेंस में नंबर्स लिखना सिखा दिया गया है, तो ये एक नया तरीका नंबर लिखना हम क्यों सिखाएं बच्चे को। देन मैंने क्या किया, नंबर लाइन को किया क्रॉस एंड यहाँ पे आप नंबर्स लिख दीजिए सीक्वेंस में जिस तरह से स्कूल में भी बच्चे सीखे हैं सीक्वेंस में नंबर लिखना, 1 2 3 4। तो एक बार आप इस तरह से समझा देंगे देन दूसरी बार आपको इस तरह से उसे नंबर लिख के देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उसने इस तरह से नंबर लिखने की बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है। तो बच्चों को अभी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर किसके आफ्टर होता है और कौन सा नंबर किसके बिफोर होता है। तो आप इस तरह से नंबर्स लिख के उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जो भी नंबर हम बाद में लिखते हैं, जो भी आफ्टर लिखते हैं वो होता है आफ्टर नंबर। जैसे कि पहले हमने 1 लिखा, उसके आफ्टर हमने 2 लिखा, 2 के बिफोर हमने कौन सा लिखा 1, 2 के आफ्टर हमने कौन सा लिखा 3, बिटवीन हमने कौन सा लिखा 2। तो ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप एक बार इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे ना देन बार बार आपको इस तरह से नंबर्स लिख के देने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप, मैं आपको बिल्कुल कहूँगी कि आप इस तरह से नंबर लाइंस के थ्रू आप बिल्कुल बच्चों को ना सिखाएं आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर। बच्चों के छोटे से दिमाग को एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के क्यों हम प्रेशर दें। तो इस तरह से तो ऑलरेडी भी बच्चों को नंबर्स लिखना आता है, तो इस तरह से अगर आप नंबर्स लिख के देंगे बच्चों को तो देन वो यहाँ से देख के लिखेंगे पहली बार, दूसरी बार वो अपने आप लिख लेंगे। तो 2 है तो 2 के आफ्टर हमने क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे 3। 6 है, 6 कहाँ है, यहाँ है, 6 के आफ्टर कौन सा नंबर है 7। 9 के आफ्टर कौन सा नंबर है 10। तो इस तरह से बच्चे लिख लेंगे। बिफोर नंबर में भी आप सेम यही कंसेप्ट बच्चे को समझाए, 7 है तो 7 हमने लिखा, उसके पहले हमने कौन सा नंबर, 7 के बिफोर हमने कौन सा नंबर लिखा था, 7 के बिफोर हमने 6 नंबर लिखा था, तो 7 के बिफोर होगा 6। देन यहाँ पे है 12 के बिफोर हमने कौन सा नंबर लिखा था 11। एंड बिटवीन नंबर में भी सेम, अगर बच्चों के सामने ये नंबर्स सीक्वेंस में लिखे क्लियर है तो 7 एंड 9 के बिटवीन कौन सा नंबर होता है, तो बच्चे आराम से समझ जाएंगे कि 7 एंड 9 के बिटवीन 8 होता है, 12 एंड 14 के बीच में 13 होता है, 6 एंड 8 के बिटवीन 7 होता है, 10 एंड 12 के बिटवीन 11 होता है। तो आप इन नंबर्स लाइन बिल्कुल भी बच्चों को एक्सप्लेन ना कह रहे क्योंकि सीक्वेंस में नंबर उन्हें आते हैं लिखना। तो जब भी आप बच्चों को आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर सिखाए तो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर लाइन आप बच्चों को इस तरह से नंबर्स सीक्वेंस में लिख के दें एंड देन एक्सप्लेन करें कि बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है एंड बिटवीन क्या होता है। और एक बात, बिफोर नंबर सिखाने से पहले आप आफ्टर नंबर सिखाइएगा क्योंकि आफ्टर समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आफ्टर अगर आपने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया तो बिफोर भी बच्चे समझ लेंगे एंड बिटवीन तो वैसे भी ईजी है, तो बिटवीन को समझना बच्चे के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन से पहले आप मिसिंग नंबर का कंसेप्ट बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करिएगा क्योंकि मिसिंग नंबर्स में भी वही है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो बच्चे को अगर मिसिंग नंबर्स लिखना आता है तो बच्चे को आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर समझना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो ये था मेरा तरीका बच्चे को आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर लिखना सिखाने का। आई होप कि आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। And if you find the video helpful, then please press like button, share the video with other parents also, ताकि उनकी भी help हो। And don't forget to subscribe the channel. And subscribe करने के साथ साथ bell icon को भी ज़रूर press करिएगा। This is all for today. Thank you for watching and bye-bye.